आप लोग रेडी हो जाए तो बताइएगा। यहाँ पे लाइव तो नहीं जा रहा है, कोटा वालों को लाइव नहीं मिलता है मेरा। जी जी बताएंगे, आप बताएंगे जब रेडी है तो बता दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज के दिन कोटा मेट्रोपॉलिटन हमारी आमद हुई है और इस बात पे बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ है कि आज इस ब्रीफिंग शुरू होने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया कि ये पहली बार है कि कोई चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन आए और उन्होंने यहाँ ब्रीफिंग ली है। और शायद यही वही मेन वजह है जिसकी वजह से जब स्टेक होल्डर्स और गवर्नेंस के हेड्स अपने इदारों में दिलचस्पी नहीं रखेंगे तो ये इदारे वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर होते जाते हैं और बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो जाती है। हमने न सिर्फ ये सिस्टम आज मेट्रोपॉलिटन के साथ रखा है बल्कि हमारी गवर्नमेंट का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इदारों को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, इदारों में जब तक आप अपलिफ्ट नहीं लाएंगे, इदारों का स्ट्रक्चर, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उनकी सर्विस डिलीवरी, इन सब चीज़ों में जब तक आप काम नहीं करेंगे, लोगों के आवाम के मसाइल और इस सूबे के मसाइल इसी तरह जू के दूर रहेंगे बल्कि वक्त के साथ साथ और ख़राब होते जाएंगे। माजी में हमेशा एक सियासत रही है जिसको हम दुनिया में या पाकिस्तान की सियासत में कॉस्मेटिक की सियासत कहते हैं कि हल्का फुल्का काम कर जाए, थोड़ी सुर्खी पाउडर का काम सरकार कर ले और बाद में दूसरे देखें या दूसरे आके उसको सस्टेन करें। हम बिलीव रखते हैं कि हमने सिस्टम्स को बेहतर करना है। आज जब क्वेटा मेट्रोपॉलिटन की पूरी ब्रीफिंग हमने ली तो बहुत चीज़ों को सुन के इस हवाले से ताज्जुब हुआ कि माजी की हुकूमतों ने इन चीज़ों पर कभी गौर क्यों नहीं किया। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मेट्रोपॉलिटन का जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको इतने साल हो गए अभी तक किसी ने उस पर काम नहीं किया कि इनका अभी तक सर्विस जो रूल है उसके तहत इनकी प्रमोशंस और इनका जो तरीक़ेकार है उस पर अभी तक न कैबिनेट में कोई इशू गया है न असेंबली में गया है। तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा हम इस पर काम कर रहे हैं और उसको हम इम्प्रूव करेंगे। सेकेंडली मेट्रोपॉलिटन जो क्वेटा है इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू का दारोमदार है वो सरकार की तरफ है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जब हम जिक्र कर रहे थे क्वेटा के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं बल्कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत अमीर मेट्रोपॉलिटन है लेकिन इसकी सर्विस और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है और मेट्रोपॉलिटन है ख़ुद गरीब है। और दो प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, मेरे ख्याल एक प्रोजेक्ट को तकरीबन PSDP में कोई 8 से 10 साल हो गए, वो कम्प्लीट नहीं हुई और अब एक प्रपोज़ल है कि हम एक गाड़ियों के लिए पार्किंग सर्विस बनाएंगे। तो उस गाड़ियों के पार्विस सर्विस का जब एक नेट एसेट अगर आप लगाएं, वो प्रॉपर्टी तकरीबन 4 अरब की है और PSDP की स्कीम जब उस पर कोई बनेगी वो तकरीबन 60 अरब की है। तो ये तकरीबन 4.5 से 5 अरब का नेट एक एसेट है और उसका रिटर्न जो हम देख रहे हैं वो सालाना ज़ोर भी हम लगा लें तो तकरीबन शायद 15 से 20 करोड़ भी नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न तकरीबन 30 से 35 साल लगेंगे। और अगर हम एक PPP मोड में या किसी और मोड में इसी एसेट को बरूकार लाते हुए एक बैंक स्ट्रक्चर में जाएं या किसी और फार्मूले पे जाएं तो इसी सिटी मेट्रोपॉलिटन को सिर्फ एक इस प्रॉपर्टी से साल का 1 अरब भी मिल सकता है। अब ये वो डिसीजंस हैं जो माजी में हुकूमतों को लेने चाहिए थे और जब तक ये सारे इदारे अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में मजबूत नहीं होंगे ये बेहतर नहीं हो सकते। और जब आप इनको आहिस्ता आहिस्ता अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट करते जाएंगे फिर ये सर्विस डिलीवरी भी अच्छी करेंगे, ये परचेजिंग भी अपनी खुद करेंगे, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद डेवलप करेंगे, ये अपनी आगे शहर की प्रॉस्पेरिटी और सर्विसों को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर ये ज़िंदगी भर इस बात पर मफलूज रहें कि इनको कुछ पैसे हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से या अपने रिसोर्सेज से मिलेंगे और ये हैंड टू माउथ रहेंगे, फिर क्वेटा शहर के साथ साथ बलूचिस्तान के जितने भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं और जितने भी सिटी कॉरपोरेशंस बनेंगे ये कभी सस्टेनेबल सर्विसेज की तरफ नहीं जा सकते। तो मुझे आज इस ब्रीफिंग से कम इस बात का हमने तायुन ज़रूर किया है कि 5-6 सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ हमने तवज्जो देनी है क्वेटा में। सबसे पहली चीज़ है
कि सर्विस उस वक्त बेहतर होगी जब मेट्रोपॉलिटन सिटी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है ये अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर बेहतर करेगी। सेकेंडली इनके लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा सीरियस हैं जिनको माजी में कभी गवर्नमेंट ने भी सीरियस नहीं लिया, उनको टेकअप करने की ज़रूरत है, जिसमें इंक्रोचमेंट और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर थर्ड में इनका सर्विस स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक इनका सर्विस स्ट्रक्चर सही तरीके से एक प्लान के तहत नहीं बनेगा तो ये जितने भी मुलाजमीन हैं या यहाँ ऑफिसर्स हैं या बाकी जितने भी ऑफिशल्स हैं इनका किडर और बाकी सिस्टम्स में बेहतरी नहीं आ सकती। चौथे नंबर पे जितना बड़ा आपका सीवरेज का और सॉलिड वेस्ट का इशू है उसको एड्रेस करना है क्वेटा में, और उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और कुछ कंपनीज़ के साथ अप्रोच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्वेटा का जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको हमने उसका एक तरीक़ेकार लगाना है जो तकरीबन 1500 से 1700 टन डेली के हिसाब से बनता है। और इसी तरह क्वेटा का जो सबसे अहम चीज़ है जिसको माजी में कभी एड्रेस नहीं किया गया, जो कि दुनिया के किसी भी डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप है, वो है मास्टर प्लानिंग ऑफ क्वेटा, कि क्वेटा का मास्टर प्लान आज तक नहीं बना है और नहीं उस पर कोई कारामद कोई ख़ास काम हुआ। तो इंशाल्लाह अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिहाज से हो या मेट्रोपॉलिटन के हवाले से हो, हमने सबसे पहले क्वेटा का मास्टर प्लानिंग बनाना है ताकि इसकी जोनिंग हो सके, इसका तरीक़ेकार बन सके, इसका बिल्डिंग कोड बन सके। हालिया में हमने पहली दफ़ा क्वेटा का बिल्डिंग कोड जो है उसको रिवाइव किया जो 1935 से बना हुआ था। अब 1935 का कोड बना हुआ है, आज 2018 है, तो हम समझते हैं कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे माजी में हुकूमतों ने किन वजूहात से नहीं की, उनका इंटरेस्ट नहीं था या कैपेसिटी नहीं थी या इंटरेस्ट नहीं था या तरीक़ेकार का नहीं पता था या बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये सारे वो सारी चीज़ें हैं जिनके न होने की वजह से आज हम बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक इदारे में नहीं बल्कि हर इदारे के अंदर एक बहुत बड़ी डिफिशेंसी देख रहे हैं और इन इदारों को नीचे देख रहे हैं कि ये अपने डिप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए हमारा तकरीबन 5.5 महीने में ये फोकस रहा है कि हमने बलूचिस्तान को अगर अपलिफ्ट करना है और इसका फ्यूचर बेहतर करना है तो हरगिज़ तरक्की उस वक्त मुमकिन नहीं हो सकती जब हम इन सब सिस्टम्स को बेहतर नहीं करेंगे। सस्टेनेबिलिटी एक फ़र्द की वजह से ना रहे कि आज एक वज़ीर आला एक मेयर या एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा आ जाए, 6 महीने जब तक वो है 2 साल जब तक है तो चीज़ें अच्छी चलेंगी, जिस दिन वो चला जाए सारा जो मलबा है दरम करके गिर जाए। सिस्टम जब आप बनाएंगे, सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लाएंगे, फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म लाएंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, एक्ट्स में तरमीम लाएंगे, तब जाके आप ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे जो सर्विस डिलीवरी को आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तरफ परमानेंट तरीके से ले जाएगी, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, वाटर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई भी हो। और इसी तरीके से आपने देखा होगा पहली बार तकरीबन 6-7 साल मेहनत के बाद, हालांकि माजी में तकरीबन 3 हुकूमतें गई हैं लेकिन क्वेटा सेफ सिटी नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह आज क्वेटा सेफ सिटी का काम शुरू है और उस पर हमने एक बहुत डिलिबरेट एफर्ट भी डाली कि ये क्वेटा का आज के दौर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर पिक्चर है बलूचिस्तान का और इसकी असल ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है, सैनिटेशन है, स्कूलिंग है, सर्विस डिलीवरी है, इसकी खूबसूरती है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे इस शहर को बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, ये वो सारी चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वेटा के लिए कर रहे हैं। और हर दिन आपको कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि क्वेटा के अंदर इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम भी हो रहा है, बेहतरी के लिए तरीक़ेकार भी बनाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर इधर बैठे हैं फारूक लांगो साहब हैं और हमारे साथ मैडम बुशरा भी हैं जो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं हमारे अर्बन प्लानिंग की और QDA के एज ए चेयरमैन भी हैं, तो हम क्वेटा शहर के हर इशू को हर लिहाज से एक सही प्लान के तहत आगे बढ़ा रहे हैं और इन सॉल्यूशंस को, चाहे उसमें कंजेशन भी हो, ट्रैफिक ब्यूरो का सबसे पहली बार हम तरीक़ेकार बना रहे हैं कि इसके लॉज बने, इसका तरीक़ेकार बने, तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह लाएंगे ताकि इस शहर को बेहतर बना सकें।